कराची में यौमे आजादी की तकरीबात का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस मौके पर पाक फौज गैरिसन की जानिब से परचम कुशाई की गई और दुआएं मांगी गयी। यौमे आजादी की मरकजी तकरीब मजार कायद पर मुनक्किद हुई, जहां गार्ड्स की तब्दीली हुई और पाकिस्तान नेवी एकेडमी के सेलर्स और कैडेट ने गार्ड्स के फ्राइज संभाले। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी कमोडोर आबिद राना थे। इस तकरीब के बाद गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध ने मजार कायद पर परचम कुशाई की और सायरन बजाकर एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराना पढ़ा गया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मजार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि 64 वर्षों में पाकिस्तान में बेहतरी आई है, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है। सदर मुमलिकत और दीगर सियासी कायदीन की क्यादत में इत्तेहाद नेक साबित होगा। मफामती पॉलिसी के तहत ही इस हुकूमत ने 3 बरस मुकम्मल किए और इसके 5 साल मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। हम तमाम मामलात बातचीत से हल करने पर यकीन रखते हैं। कि हम इत्तेफाक के तहत चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं, और ये आज जो मुख्तलिफ पार्टी जो असेंबली में हैं, उनकी मौजूदगी इस बात का मजर है कि हम सब इत्तेफाक के तहत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और अमन के लिए हमारी काविशें हैं, कोशिशें हैं, सब पार्टीज की हैं, और इंशाल्लाह कराची और पूरे सिंध में हम अमन कायम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जबकि गवर्नर सिंह ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इसमें सियासी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। मुल्क में मौजूदा वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल से ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। आज के दिन हमने ये सोचा कि एक सियासी यकजहती और सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए, और इस वक्त मुल्क को, कौम को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, और उसमें जिस तरह इस वक्त मुल्की क्यादत मोहतरम जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की लीडरशिप में इन चैलेंजेस से निपटने का जो अमल है, उसमें तमामी सियासी कुव्वतें अपना किरदार अदा करें। मजार कायद पर सूबाई वजीर दाखिला ने अपने नए ख्वाब के बारे में बताते हुए कहा कि मुत्तहदा कौमें के दोस्त दोबारा वजीर बन रहे हैं। अचानक ख्वाब ये आ गया है कि ये सारी हमारे एमक्यूएम के ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, वो वजीर बन रहे हैं। मजार कायद पर आने वाले अफराद ने भी मुल्क यकजहती और अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। से दुआ है और आंखों से आंसू जारी है कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत दे, हमारे मुल्क को कायम दायम और सलामत रखे, जो हमसे लग्जिशें हो गई उसमें माफी मांग के सीधा रास्ता अख्तियार करें। आज यहाँ के बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफी चेंजेस वगैरह आई हैं, बहुत अच्छा फील हुआ। खास तौर पे जो एक साथ सबने मिलके नेशनल एंथम जो है ना पढ़ा, उसके अलावा जो फ्लैग को उन्होंने किया, मतलब वो करके जो है ना एक हमारे अंदर जो है क्या नाम है, एक प्राउडनेस आ गई, और क्या नाम है, मतलब अपने आप पर प्राउड होने लगा कि वी आर पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी नेशन इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये है कि जब हम इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करते हैं तो थोड़ा जोश भी आता है और याद आता है कि पाकिस्तान जो है वो कितनी मुश्किलों से बना था, तो उसी सब्र और बर्दाश्त की हमें अभी भी ज़रूरत है ताकि हम इस कड़े वक्त में से जो डिफरेंट मतलब मुश्किल हमारे लिए आ रही हैं उससे निकल सकें। जो यौम आज़ादी के मौके पर तीनों मुसल्ह अफवाज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, कराची शहरी हुकूमत, सिविल सोसाइटी और दीगर शहरियों की जानिब से मजार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, जबकि पुलिस हेडक्वार्टर, कराची यूनिवर्सिटी, कराची शहरी हुकूमत सेक्रेटेरिएट, स्टेट बैंक और दीगर अहम मकाम पर भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की गयी। अगर यही जज्बा मुस्तकिल रखा जाए तो कायद के ख्वाब को अमली शक्ल दी जा सकती है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान और खलील आदिल के साथ शमील अहमद, वक्त न्यूज़, कराची।